नमस्कार, आप देख रहे हैं दासुगम। जी हाँ, आज बीकानेर मामले को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता देंगे आज हो चुकी है 4 मार्च और आज बड़ा अपडेट है वो सामने आने वाला है। लेकिन दोस्तों, खबर की ओर आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप दासुगम पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको तमाम काम की खबरें मिलती रहें। दोस्तों, आपको बता दें कि 18 फरवरी को हाई कोर्ट की डबल बेंच में सुनवाई हुई थी, लेकिन उस सुनवाई का नतीजा क्या था? उस सुनवाई का नतीजा ये था कि 4 मार्च 2021 को मनीषा डोडी दुनिया के किसी भी कोने में अगर सोती है तो हाई कोर्ट में पेश की जावे। तो आज हो चुकी है 4 मार्च और आज मनीषा डोडी और उनके माता पिता आमने सामने होंगे और मनीषा डोडी किन के पक्ष की ओर जाएगी, यह आज बड़ा फैसला सामने आने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें कि मनीषा डोडी मामले को लेकर अब हाईकोर्ट की जो डबल बेंच है आज उसमें सुनवाई होने जा रही है। दोस्तों, हाईकोर्ट ने 18 फरवरी को निर्देश दे दिए थे कि मनीषा डोडी अगर किसी भी कोने में अगर छुपी है तो उसको 4 मार्च 2021 को कोर्ट में हाजिर किया जाए ताकि उनके माँ बाप और मनीषा डोडी की सुनवाई हो सके, हाईकोर्ट सुनवाई कर सके। दोस्तों, आज बड़ा अपडेट सामने आने वाला है और मनीषा डोडी किसकी ओर हाँ भरेगी यह आज देखने को मिल सकता है। मनीषा डोडी और मुख्तियार खान और उनके माँ बाप आज आमने सामने होने वाले हैं, कोर्ट में ये आज सुनवाई होने जा रही है। कोर्ट से जो भी कुछ अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नई तमाम काम की खबरों के साथ, तब तक बने रहो आपके और अपने चैनल दासुगम के साथ। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपका क्या मानना है कि कोर्ट की ओर से जो फैसला आएगा वो किसकी ओर आ सकता है। अगर आप दासुगम पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको तमाम काम की खबरें मिलती रहें।